8 साल का चंद्रवीर प्रमोद के गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर नगला अमर सिंह गांव में राम नरेश के घर 8 साल पहले ही पैदा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे अपने पुनर्जन्म की कहानी याद आने लगी। उसने अपने माँ बाप को यह बातें भी बताई, लेकिन कोई उसे प्रमोद के घर लेकर नहीं जा रहा था। ऐसे में उसने जब अपने पुराने माँ बाप से मिलने की जिद ठान ली, तो उसके पिता रामशरण उसे लेकर प्रमोद के पास बहुत जल्दी ही पहुंच गए, क्योंकि गांव 6 किलोमीटर दूर था और गांव के लोग एक दूसरे को ठीक तरह से जानते हैं। प्रमोद सिंह ने जब चंद्रवीर की जुबान से पिता का शब्द सुना तो चौंक गए। चंद्रवीर ने उन्हें पुनर्जन्म की बात बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया, तकरीबन 8 साल पहले मैं, जो कि तब 13 साल का उस वक्त था, मेरी नहर में डूबकर मौत हो गई थी। उसका नाम रोहित था। तब उसके पिता ने बताया, 4 मई 2013 को वह घर से निकलकर नहर पर गया। चूंकि वहां जाना और नहाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस दिन वह नहर में कूदा तो निकल नहीं पाया। उसके बाद से माँ बाप अपनी एक बेटी के सहारे ही जिंदगी काट रहे थे। फिर बच्चे ने अपने मरने की कहानी सुनाई। इसके अलावा कई पुरानी बातों को भी उसने बताया, जिसके बाद प्रमोद को विश्वास हुआ। इसके बाद चंद्रवीर अपनी माँ से और अपनी बहन से भी मिला। हालांकि इस मिलन पर प्रमोद कहते हैं कि मुझे खुशी तो है, लेकिन वह दूसरे की अमानत है। जबकि बेटे के लौटने पर माँ काफी खुश हैं और बहन का तो मानो पर ही लग गए हैं। चंद्रवीर जब अपने परिवार से मिल रहा था, तभी वहां उसके स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष यादव आ गए। चंद्रवीर ने उन्हें भी पहचान लिया। वह उसे स्कूल ले गए, जहां उसने अपनी क्लास के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि वह गणित पढ़ाते थे। चंद्रवीर का कहना है कि मुझे सभी बातें याद हैं, मैं दोनों परिवारों के साथ रहना चाहता हूँ। वहीं चंद्रवीर के असल पिता रामशरण कहते हैं कि जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपनी पुनर्जन्म की कहानी बताने लगा। वह अक्सर अपने पुराने परिवार के पास आने की जिद करता था। चंद्रवीर की माँ कहती हैं कि हम उसे डर की वजह से नहीं भेज रहे थे कि वह वहीं का होकर ना रह जाए, अब वह सबसे मिलता जुलता रहेगा। फिलहाल चंद्रवीर दोनों परिवारों को पाकर काफी खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, बाय बाय।